आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे दूसरों की भी हेल्प हो सकती है। इस 3D प्लान को हमने डिजाइन किया है डुप्लेक्स प्लान के तौर पे। डुप्लेक्स प्लान के बारे में छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ आप लोगों को। डुप्लेक्स मीन्स होता क्या है कि इसमें दो फ्लोर की डिजाइनिंग एक साथ होती है। जैसे कि आपके कुछ रिक्वायरमेंट जो है ग्राउंड फ्लोर पे पूरी होती है और कुछ रिक्वायरमेंट जो है आपकी फर्स्ट फ्लोर पे पूरी होती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और दोनों फ्लोर की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि दोनों फ्लोर लगे कि आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें सीढ़ी को है अंदर से देना होता है, और सीढ़ी को अंदर से देने के बाद जो है एक उसके साथ एक बहुत बड़ा कटआउट एरिया छोड़ना होता है, जिससे कि दोनों फ्लोर के बीच में जो है कनेक्टिविटी बनी रहे। अब हम बात करते हैं अपने 3D प्लान के ऊपर। ये जो आपके सामने है ये 3D इंटीरियर प्लान है। इसके प्लॉट की साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज हमने 20x50 का कवर किया हुआ है। प्लस इसमें आप देख रहे हैं कि सामने भी आपका इधर रोड है 22 फुट का, और लेफ्ट साइड में आपका पतली सी एक गली है। तो इस हिसाब से आपका ये एल शेप का प्लॉट हुआ और इसको हमने डिजाइन किया है उसी तरीके से। तो चलिए हम अपने प्लान का डिटेल शुरू करते हैं एंट्री से कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मेन गेट एंट्रेंस की। तो मेन गेट एंट्रेंस पे हमने दो छोटे छोटे रैंप डाले हैं दोनों साइड में, और बीच में हमने स्टेपिंग की हुई है। उसके बाद जो है हमारा दोनों साइड में हमने दो छोटे छोटे पिलर्स डाले हुए हैं, कॉलम्स बोल लीजिए इसको, पाया कुछ भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक हमारा 9 फुट का गेट आ जाएगा, जिससे कि हमारी एक कार आराम से अंदर चली जाएगी। और ये आगे जो आप देख रहे हैं पेविंग एरिया, यहाँ पे हमारी कार पार्किंग होगी। आप यहाँ पे एक हैचबैक कार आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लेफ्ट साइड में देखिए, हमने यहाँ पे छोटा सा गार्डनिंग स्पेस छोड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे बैठने के लिए अरेंजमेंट की हुई है। तो कुछ इस तरीके से आप लैंडस्केपिंग डिजाइन कर सकते हैं, प्लस साइड में भी हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा जो आता है 1, 2, 3 स्टेप पे हमारा ग्राउंड लेवल आ जाता है, तो इस हिसाब से आप स्टेपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे हमने ये आपका सोफा सीटिंग एल शेप में दिया हुआ है, और यहाँ पे डाइनिंग, और ये सामने आपको LCD दिख रहा होगा। उससे पहले हम किचन देख लेते हैं कि किचन हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। किचन की डिजाइनिंग आपकी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपका कुकटॉप होगा, ये आपका सिंक होगा, और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, और इसमें आप फुल वॉल तक जो है टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग है किचन की। ये आप सोफा देख लीजिए, सोफे को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, और इसके बैक वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है। इसमें हमने बोटोचिनो का यूज किया हुआ है, बोटोचिनो पत्थर होता है, उस का टाइल हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। प्लस सीढ़ी की एक बार कंडीशन देख लीजिए कि सीढ़ी हम कहाँ से चढ़ा रहे हैं। एंट्री करते ही हमारा राइट हैंड साइड में सीढ़ी अप जा रहा है, तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे नहीं करना, तो आप इसको उल्टा शुरू कर सकते हैं। उल्टा मीन्स कि जैसे कि हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं, तो सेम टू सेम आप यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे और इधर आके आपकी सीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, जैसे कि क्या होता है कि कल बोलते हैं कि लोग हमें रेंट पे भी चाहिए, तो रेंट के हिसाब से एंट्री करते ही सीढ़ी होनी जरूरी है, और डुप्लेक्स भी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आप इस प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कॉमन बाथरूम। तो कॉमन बाथरूम हमने ड्राइंग रूम से कनेक्टेड दिया हुआ है, जिससे कि अगर कोई गेस्ट आता है तो वो आराम से अपना जा सकता है। उसके बाद जो आता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम की डिजाइनिंग हमने रखी है, इसमें वॉकिंग क्लोजेट साथ में रखा हुआ है, प्लस इसको विंडो के वेंटिलेशन इधर से हो रही है। इसमें बेड की पोजीशन, प्लस इसकी फ्लोरिंग, प्लस ये आपका LCD पैनल यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसके साथ अटैच बाथरूम भी मिल रहा है आपको। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी। ये हमारा प्लॉट का एक बेसिक लेआउट है, जहाँ पे आपको डायरेक्शंस प्लस प्लॉट के साइजेस पता चल जाते हैं कि हमने किस स्पेस का प्लॉट यूज किया हुआ है।
तो सामने देखिए आपका प्लॉट का साइज जो है 20 बाई 50 है, और आपका फ्रंट में 22 फुट रोड है और लेफ्ट हैंड साइड में 8 फुट की रोड है, जिससे कि आपका दो साइड से वेंटिलेशन आराम से हो सकती है। प्लस आपका इधर अदर प्रॉपर्टीज है, इधर अदर प्रॉपर्टीज है। बाकी जो डिटेल है वो मैं आपको 2D प्लान दिखाने के टाइम समझा दूंगा। तो इसमें हम क्या क्या वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम आपको 3D प्लान दिखा रहे हैं, प्लस 2D प्लान और उसके साइजेस भी दिखा रहे हैं, कॉलम प्लेसमेंट दिखा रहे हैं और कॉलम के साइजेस भी बताने वाले हैं, प्लस इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जब हम इसको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। प्लस इसका जो मेन पार्ट है वो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एरिया की। तो इसका एरिया जो बनता है हमारा स्क्वायर फीट में, वो 1000 स्क्वायर फीट बनता है। और इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है बिना वास्तु के, तो इसलिए इसमें वास्तु का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एक बेसिक लेआउट है, यहाँ पर मैं आपको साइजेस बताऊँगा। उससे पहले देख लीजिए कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे किया है। हमने इधर राइट साइड में एक पैसेज छोड़ा हुआ है, प्लस आगे हमारी कार पार्किंग है और यहाँ पे हमने छोटी सी गार्डनिंग दी हुई है, और वो भी आपका 20 बाई 50 में है। तो मैं अगर जैसे ही बोलूँगा 20 बाई 50, तो लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि यार 20 बाई 50 में सिर्फ एक रूम, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये मत भूलिए कि ये एक डुप्लेक्स प्लान है, और डुप्लेक्स प्लान स्पेसियस बनता है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है ग्राउंड फ्लोर पे, उसको आप फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा रूम्स चाहिए तो फिर आपका वो डुप्लेक्स नहीं बन पाएगा, जिससे कि हम जैसा बनाते हैं सीढ़ी के साथ बड़ा सा कटआउट डाल के, वैसा नहीं बन पाएगा, नॉर्मल आप बेशक घर बना लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम इसके साइजेस देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने कितना स्पेस लिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार पार्किंग एरिया से। तो कार पार्किंग की जो चौड़ाई है 10 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है, और इसकी लेंथ हमने रखी है 15 फुट। आप यहाँ पे नॉर्मली जो है कोई भी कार लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आता है हमारे यहाँ पे साइड में पैसेज, यहाँ पे 3 फुट का एक पैसेज है, प्लस ये हमारा दूसरा मेन गेट है जिसको आप मेन एंट्रेंस बोल सकते हैं घर का। इसका साइज हमने रखा हुआ है 3.5 फुट का। अगर इसको 3.5 फुट से ज़्यादा चौड़ा करना है तो आपको इधर किचन को छोटा करना होगा। उसके बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं, राइट साइड में हमारी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। तो इस हिसाब से इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको रेंट पर्पज़ के हिसाब से भी दे सकें, एंट्री करते ही आपकी सीढ़ी चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि सीढ़ी हमको यहाँ से शुरू करना है क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीढ़ी की डिटेल की। तो सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने ली हुई है 3 फुट की ली हुई है, ट्रेड का साइज आपका 10 इंच का है। इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितने स्टेप चाहिए। नॉर्मली आप इसकी हाइट जो रख सकते हैं वो 11 फुट रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे लॉबी एरिया, जिसमें लॉबी में ड्राइंग डाइनिंग की अरेंजमेंट की हुई है हमने। इसकी चौड़ाई है 15 फुट 6 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट 6 इंच है। और इसी में जो है आपका ये पूरा एक कटआउट बनेगा, डबल हाइट जिसे बोलेंगे हम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अपने कॉमन बाथरूम की। तो कॉमन बाथरूम का साइज एक बार आप देख लीजिए, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, आप एज ए वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आपको डुप्लेक्स नहीं बनाना तो ये कटआउट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे ममटी बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आता है अटैच बाथरूम, तो इसका भी साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसके बाद जो आगे स्पेस बचता है उसका आप साइज एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो ये हमारा एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है, जिसका साइज है 13 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 11 फुट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉक इन क्लोजेट, जो कि 5 फुट चौड़ा है, और इस पूरे वॉल पे आप अलमारी रख सकते हैं, प्लस ये वाली स्पेस जो बच रही है आप यहाँ पे ड्रेसिंग लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है, और इसमें हमने बेसिक तरीके से कॉलम की प्लेसमेंट की हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो डिटेल बताने वाला हूँ वो कॉलम के साइजेस होंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी। उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लॉट के रिगार्डिंग, कि कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यार 1000 स्क्वायर फीट में हमको सिर्फ एक रूम मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये अगर आपको डुप्लेक्स चाहिए
तो आपको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल प्लान चाहिए 25x50 में, तो आपका मतलब 2 BHK या फिर 3 BHK भी बन सकता है, लेकिन वो नॉर्मल प्लान्स होंगे, आपका डुप्लेक्स प्लान नहीं होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए हम कॉलम के साइजेस की बात कर लेते हैं। कॉलम के साइजेस हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 9x15 या फिर 9x18 के कॉलम हम रख सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे दो कॉलम आप छोटे साइज के रख सकते हैं, ये 9x12 के दो कॉलम्स आप रख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो कॉलम की प्लेसमेंट है वो 13 है, यहाँ पे 13 कॉलम हमने प्लेस किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, तो इसकी कॉस्टिंग आपको कम से कम पड़ेगी 10 लाख पर फ्लोर, यानी अगर डुप्लेक्स अगर आप बनाते हैं तो आपका 20 लाख में ये डिज़ाइन होगा 2 फ्लोर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके पास इतना बजट है तो आप काम शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके।